गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट लेक्चर 4। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देखा गया कि बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है और काफी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिसे स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स निकालने के लिए। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम दो अप्रोच स्टडी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट्स को निकालने के लिए। एक होगी फॉर्मेलिटिक अप्रोच और दूसरी है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें कोई सम जो कि पी है हमें पेड बैक करना है एन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर और इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होता है आर परसेंट के ऊपर, तो हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी उसके लिए ये फॉर्मूला है। पी हमारा प्रिंसिपल, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला लगाना है। बट फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आपको इसके से नुकसान होगा। सबसे पहली बात, आप फॉर्मूला को याद करने में गलती खा सकते हैं। दूसरी बात, आपको पहले ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर पुट करोगे और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करोगे तो उसमें टाइम लगेगा और कैलकुलेशन के अंदर आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। सो लेट्स डिस्कस अनदर अप्रोच टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, टेक ए क्वेश्चन, ए सम ऑफ रुपीज 2100 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 2100 रुपए दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देने हैं जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम। तो शुरू करते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इसके अंदर क्या है कि अगर हमारा 10 प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपी इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा 1 ईयर के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम इसे पी रेशो ए की फॉर्म में लिखते हैं कि अगर हमारा टाइम 1 साल रहा होता और हमने 10 रुपए उधार पे दिए होते तो हमें 11 रुपए मिलते। ठीक है, जब हमारा टाइम 2 साल हो जाएगा तब हमें 100 रुपए पे 121 रुपए मिलते। ये मैंने आपको जब मैं टाइप 2 करा रहा था तब मैंने आपको ये वाला मेथड बताया था। हम दोबारा देख लेते हैं कहां बताया था मैंने आपको मेथड। मैंने आपको यहाँ पे मेथड बताया था। एक तरीका तो ये था कि हम लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते चले जाएं 100 के ऊपर 120 और 120 के ऊपर 20%। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास कि हम क्या करें, जितनी बार हमारा ये लिखा हुआ है 2 times 2 years में 5 के अंदर 6, 5 के अंदर 6 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 से 36 आ जाए। अल्टीमेटली क्या है, ये 5 का स्केयर और ये 6 का स्केयर, तो इसलिए हमने इसको कंप्रेस करके वहां पे एज इट इज लिख दिया है डायरेक्ट स्केयर की टर्म्स में। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इस ट्रिक को डायरेक्ट याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, t=1 के लिए लिखेंगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीमेंट कितना करेंगे जितना हमारा न्यूमरेटर है। ऐसे ही time=2 years के लिए क्या करेंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो नीचे डिनोमिनेटर आएगा उसका स्केयर लेंगे और उसके बाद उसका जो एडिशन होगा उसका भी स्केयर लेंगे। और अगर हमारे पास 3 होता तो हम उसका आगे क्यूब लेते, बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 years के लिए निकालना है तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 रोज लिखेंगे, 1 1 year के लिए, 2 second year के लिए। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारी राइट हैंड साइड वाली ये इसको हम इक्वल कर लेंगे। अब इस राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 121। अब हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये दोनों हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं और इन दोनों इंस्टॉलमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा टोटल प्रिंसिपल है। तो अगर हमारी इंस्टॉलमेंट्स 121 की है तो हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 210। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2100। तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे कि अगर हमें 210 के अमाउंट को पे बैक करना है 2 equal installments ऑफ 121 में तो हमें कितना चाहिएगा, 121 into 10 = 1210। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए लिखेंगे, अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल होता है 10 तब हमारे पास 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद वो हो जाता है 11। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास 2 years के लिए होता तो हमारे पास जो अमाउंट हो जाती वो हो जाती 100 से 121। यहाँ पे क्या होगा, हमारे डिनोमिनेटर का स्केयर और यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का स्केयर।
अगर यहाँ पे थ्री ईयर थर्ड ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट होती तो हम क्यों लेते हैं। ये एक ट्रिक है, मैं आपको कहूंगा सिर्फ ट्रिक याद रखिए, इसी ट्रिक कहाँ से आई इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। बस बेसिक एक रेशो कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। आप सिंपल याद रखिएगा कि जितने आपके ईयर्स हैं उतनी बार आप सबसे पहले सिंपल, उसके बाद स्केयर, उसके बाद क्यूब रखिएगा, उसके बाद आप राइट हैंड साइड को इक्वल कीजिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 121 था तो फर्स्ट इक्वेशन को 121 करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 × 11 = 110 एंड 10 × 11 = 121। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 210 एंड 242। 242 का मतलब क्या है, 2 times इंस्टॉलमेंट ऑफ 121। अब जब हमारे पास 2 installments 121 की थी तो हमने कितना प्रिंसिपल पे बैक किया, 210 का। अब हमें करना है 2100 का, तो ये इसका 10 times है तो installments भी हमारी इसकी 10 times होंगी। यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड, तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड का यूज करके हमारे कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा सिंपल बना लिया है। और ये ट्रिक काफी एफिशिएंट है, आप इस ट्रिक के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और इस ट्रिक को क्रैम कर लीजिए। जस्ट आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है क्वेश्चन के अंदर और उसको लिख लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको ये परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल याद होनी चाहिए ताकि कोई अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट आए तो वो आपको पता हो डायरेक्टली उसके लिए क्या करना है, जैसा कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ए सम ऑफ 3310 इज टू बी पेड बैक इन 3 equal installments, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे के पास क्या है, 3 equal installments हैं और 10% हमारा रेट है, तो 10% के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 से 11, सेकंड के अंदर इसका स्केयर लेंगे 100 से 121, थर्ड के लिए हम 1000 से 1331। उसके बाद हमने कहा क्या कहा था कि हम राइट साइड को इक्वल करेंगे, राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को 121 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1210 एंड 1331। सेकंड इक्वेशन को हम 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1100 एंड 1331। और जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी एज इट इज है। अब ये हमारी 3 equal installments होगी 1331। अब हम ये देखेंगे कि 3 installments को चुकाने के बाद हमने कौन सा प्रिंसिपल खत्म किया, कौन सा प्रिंसिपल को हमने पे बैक कर दिया, तो उसके लिए हम इन तीनों को एडिशन करेंगे, तो ये एडिशन हमारे पास आ जाएगा 3310। ये सेम प्रिंसिपल है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए जो हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 1331। ओके सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसके अंदर आपकी जो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है वो बहुत कम हो जाती हैं, तो मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स के अंदर इस ट्रिक्स को यूज करें। ओके अगर आपको फिर भी लगता है कि फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर है तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P/100/100+R+100/100+R का होल स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे आपने 2100 अमाउंट जो प्रिंसिपल आपने पे बैक करना है उसको पुट किया और आर को 10 को पुट किया, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2100/10/11+10/11 का होल स्क्वायर। यहां से आप क्या करेंगे, 11 के होल स्क्वायर को एलसीएम लेके आपने ऊपर भेज दिया 121, नीचे आपका बच गया 210। ये जो फिगर्स आएंगी एग्जाम्स के अंदर आप देखेंगे हमेशा ये आपस में कैंसिल होंगी, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा, आप जैसे मर्जी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत सिंपल ही रहेंगी, हमेशा ये कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर आ गया 1210। ओके नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ए सम इज टू बी पेड बैक इन 2 equal installments, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 6% पर एनम। If each installment be 2809, then what is the sum? Okay, अभी तक हमने जो questions देखे उसके अंदर था हमें installment निकालनी थी, अब हमें sum निकालना है। But इस trick के अंदर फायदा ये है कि इसके लिए भी same approach है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6% को लिखेंगे 6/100। 6/100 क्या होता है, 3/50। Okay, अब इसको same form में लिखेंगे 50। इसके अंदर एडिशन करेंगे 3 का तो बन गया 53। सेकंड ईयर के अंदर हम क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, इसका स्केयर ये, इसका स्केयर ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप इस टाइप कोई भी एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ मिनिमम वैल्यू स्केयर्स की याद होनी चाहिए, कुछ मिनिमम वैल्यू आपको क्यूब्स की याद होनी ही चाहिए, तो उन वैल्यूज को आप
क्रैम कर लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएं। बाकी हम आपको शॉर्टकट सिखाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि स्केयर्स को फास्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, फिलहाल हम दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपने इनको वो निकाल लिया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हमें हमेशा राइट हैंड साइड इक्वल बनानी है क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स हमारी इक्वल होती हैं और हम मान के चल रहे हैं यही हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं और इन इंस्टॉलमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपना प्रिंसिपल निकाल लेते हैं और फिर यूनिटरी मेथड के थ्रू हम जो क्वेश्चन के अंदर हमें सम निकालना होता है उसके थ्रू कंपेयर करते हैं हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो फिलहाल अब हम इसे 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी 2650 एंड 2809। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया ये टू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2809 एंड ये हमारे पास आ गया 5150। अब इसने क्या कहा कि टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इसने 2809 की दी हैं। अब ये भी हमारी 2809 की हैं तो हमारे पास हम आ गया 5150। ओके, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। आप इस ट्रिक के ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आप जिस बुक से भी करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे एक्सपीरियंस फ्रूट चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। फॉर मोर शॉर्टकट्स एंड स्क्रिप्ट्स सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपीरियंस फ्रूट। थैंक यू।